لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى، ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الاطيبين الانجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام البهدي المنتظر الله عجل الله تعالي فرجه الشريف وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية

बत इ जमाना अज्जल तरजरीफल इसके तहत मुसलसल आपने गुफ्तु इन दो शबों में फरमाई और आज मुझे जिस बात को आपके सामने अर्ज करना है वो आका की गैबत के अस्बाब से मुतक है वो सूरतें और वो वजहें या यूँ कह लिया जाए कि वो कैफियत जो इस गबत के ज़माने में अल्लाह ने करार दी है उसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इसी की बिना पर हमारे अकीदों को उस्तवार होना है हमारे अकीदे उस तरह से नहीं कायम होते कि जिस तरह से हमारा दिल चाहता है बल्कि हमारे अकीदों की बुनियाद वो अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायतें हैं रसूलुल्लाह की तरफ से आने वाली अहादीस हैं और अहले बैत अथार की तरफ से आने वाली ये रवायतें हैं कि जिनकी बिना पर हम अपने अकीदे को उसवार करते हैं लिहाजा ये बात समझना ज़रूरी है कि ये जो रवायतों की दुनिया में इस गेबत को लाजम करार दिया गया है उसकी वजह क्या है इन नलील गय इन नलील का इम बतान। उस आखिरी इमाम के लिए दो गबतें हैं कि जिनमें से एक छोटी गेबत्त है और एक बड़ी गेबत है गेबत् दोनों एक हैं इमाम की तरफ से जो गेबत्त है उसमें कोई फ़र्क नहीं है निकाहों से इमाम दोनों जमानों में ओझल हैं लेकिन बस फर्क ये है कि वो जो पहली गेबत्त है उस पहली गेबत में अल्लाह के बाद नेक बंदों को अल्लाह ने यह इख्तियार दिया था कि वो अपने इमाम से न सिर्फ ये कि मुलाकात कर सकते थे बल्कि उस जमाने में अपने इमाम से वो तमाम पैगाम लेकर इन शी तक पहुँचाते थे बाज़ रवायतों में है कि दो घंटे दो सात सा वारिद हुआ है बाज में वारिद हुआ है कि दो घंटों के अंदर या दो दिनों के अंदर इमाम की तरफ से जवाब आ जाता था और ये जवाब उम्मत तक पहुंच जाता था ये वो ज़माना था कि जो गबत का ज़माना था और फिर मैं अर्ज कर दूँ कि हज़रत की हयात तयबा को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है एक वो ज़माना है कि जो जमाने एहतजाब कहलाता है यानी वो ज़माना कि जिस जमाने में आपको अल्लाह ने गबत में नहीं करार दिया लेकिन फिर भी लोगों की निगाहों से पोशीदा थी इसीलिए लिए एहतजाब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो बाज़ रवायतों से भी जिसका मफहूम अफज किया जाता है इमाम सन पचपन हिजरी में दुनिया में, में तशरीफ़ लाए और सन साठ हिजरी में आपके वालद माजिद यानी हमारे ग्यारहवें इमाम दुनिया से दर्ज शहादत पर फायज़ होकर रुखत हुए ये जो पाँच साल का पीरियड है ये जो पाँच साल का ज़माना है यह ज़माने एहत है यानी वो ज़माना कि जिस जमाने में इमाम लोगों की निगाहों के दरमियान इस अंदाज में थे कि गोया आप पर्दे में मौजूद हैं इसीलिए एहत यानी लफ्ज़ जो अक्स किया गया है वो हिजाब से इमाम उस जमाने में लोगों की निगाहों के सामने नहीं थे और इसीलिए बाज़ रवायतों में हमारे ग्यारहवें इमाम ने चालीस मिनीन को जमा किया था और इन मिनीन को आखिरी इमाम की जियारत कराई थी ताकि लोगों को ये पता रहे कि ग्यारहवें इमाम के बाद उनका वारिस इस दुनिया में आ चुका है और वो आज लोगों के दरमियान मौजूद हैं पांच साल की उम्र मुबारक के होने के बावजूद अल्लाह ने आपको मनसब इमामत दर्ज इमामत और रतब इमामत अता किया इमामत आपकी पैदाइशी है लेकिन मनसब और जाहरी तौर पर जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने माकबल के इमाम के दुनिया से जाने के बाद सामने आती हैं और इसीलिए इसी असूल इसी काफी में रवायत मौजूद है कि जिस मौके के ऊपर हमारे और आपके छठे इमाम मामे जाफर सादिक मौला से ये बात पूछी गई कि फर्जंद रसूल क्या एक वक्त में दो इमाम हो सकते हैं मौला ने फरमाया कि एक वक्त में दो से ज़्यादा बल्कि एक से ज़्यादा जितने भी इमाम मुमकिन हैं कोई मुश्किल नहीं है जिस तरह से अल्लाह ने मैं कह रहा हूँ ये हदीस का जुमला नहीं है हदीस वहीं तक थी, अभी उसके आगे का जुमला करूँगा जिस तरह से अल्लाह ने अपने रसूल को जब इस रू ज़मीन पर भेजा तो हमारे जहनों में रहे कि अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ने मनसब इमामत दिया था हम लोगों के दरमियान चूंकि गुफ्तु नहीं है लिहाजा हम लोग इस लफ्ज़ इमामत के साथ अपने पैगम्बर को नहीं याद करते लेकिन जब आप अभी दुआ तवसल आपने पढ़ी होगी एक दो दिन कबल उसमें इमाम ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया होगा अपने पैगम्बर के लिए हजूर अक्रम को भी अल्लाह ने मनसब इमामत दिया सरकारी अमीन भी इमाम हैं सरकार इमाम हसन मुजतबा और सरकार इमाम हुसैन ये तीन इमाम मौजूद हैं जबकि अल्लाह की तरफ से मनसब इमामत का जाहिर होना अल्लाह के रसूल के जरिए से सामने आया है यानी एक वक्त में इस रूए जमीन पर चार इमाम मौजूद हैं खुद मैदान करबला में उस मौके पर तीन इमाम मौजूद थे खुद सरकार शुहदा मौजूद हैं चौथे इमाम मौजूद हैं पांचवें इमाम मौजूद हैं सारे अथार मामूलन जब किसी इमाम का आखिरी वक्त आया है तो उस मौके पर बाद का इमाम भी इस रूए जमीन पर मौजूद है इस तरह से कम अज कम दो इमाम हर जमाने में रहे लेकिन आखिरी इमाम के बाद फिर अब किसी और इमाम का तस्वुर रूए जमीन पे जाहरी तौर पर नहीं है अलबत् सारे आई मथार हैं रूए जमीन पर इंसानों के दरमियान मौजूद है लेकिन जाहरी शक्ल में जो मनसब इमामत है वो सिर्फ आखिरी इमाम के पास है और उस मनसब के साथ इस पूरी बशरीत की आप हिदायत फरमा रहे हैं वहां पर इमाम का जुमला मुकम्मल कर दूं मौला से पूछा गया क्या एक वक्त में एक से दो ज़्यादा इमाम हो सकते हैं फरमा यकीनन एक से ज्यादा इमाम हो सकते हैं लेकिन वाज़िबुल इताअत इमाम एक वक्त में एक होगा और बकिया इमाम भी उस जमाने में उन्हीं की इताअत करेंगे तवज्जो फरमाइए आपने जिस तरह से जिस मौके के पर सन चालीस हिजरी में सरकार अमीन की शहादत वाकई हुई सन चालीस से लेके 50 हिजरी तक यह वो जमाना था कि जो हमारे दूसरे इमाम की इमामत का जमाना है और इस इमामत के दौर में दो इमाम और भी मौजूद हैं हमारे तीसरे इमाम और हमारे चौथे इमाम ये जो दो इमाम मौजूद हैं इन सब की जिम्मेदारी क्या है इन सब की जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि ये दो इमामों की दो इमाम अपने जमाने के इमाम की इताअत कर रहे हैं ये बड़ा अहम मसला है इस पर मैं इसलिए तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे जहनों में यह बात मामूलत नहीं आती लिहाजा हम इमामत के मसले में इस तरफ गौर न करने की बिना पे बहुत से शुभात में घिर जाते हैं उस जमाने में हमारे सामने दो इमाम और भी मौजूद हैं लेकिन इमामत का जाहरी मनसब है तो हमारे दूसरे इमाम के पास लिहाजा फैसले होंगे तो इमाम मासूम के जरिए से ही होंगे बातें पहुंचेंगी तो इमाम वक्त ही के जरिए से पहुंचेंगी ये इमाम वक्त होने की बिना पर एक रुतबा बाद वाले से बेहतर हो जाता है और इस बिना पर माकबल वाला मा वाले की गर्दन पर एक हक रखता है कि जो हक अल्लाह ने इमामत के तौर पर दिया है लेकिन यह हक माकबल के अंबिया के पास नहीं था माकबल का नबी मां बाप के नबी पर हक के विलायत रखता हो यह जरूरी नहीं है लेकिन माकबल का इमाम माँ बाप के इमाम पर हक के विलायत रखता है यह जरूरी है नहीं पता ये लफ्जें सख्त हो गई शायद और मैं अपनी बात को पहुंचा पाया नहीं मुतवजह है कि नहीं आपको एक हकीकत है कि मनसबे इमामत को अल्लाह ने बुलंद रुतबा दिया है लिहाजा जो मां बाप का इमाम है उसकी गर्दन पर मा कबल के इमाम का एक हक है जो विलायत उनके पास महफूज है यह मैंने क्यों अर्ज किया सिर्फ इस बिना पर अर्ज किया कि अल्लाह जब भी इमामत देता है तब भी इम्तिहान लेता है और इमामत पर ईमान देता है तो भी इम्तहान लेता है ने आपको इमामत का अकीदा दिया है इमामत पर ईमान दिया है ये यूं ही नहीं मिला है लिल ईमान, ये हदीस मौजूद है जिसकी आज मुझे वजहत करनी है इमामत का अकीदा भी अगर अल्लाह आपको दे रहा है तो पहले आजमाएगा इम्तिहान के मरहले में करार देगा देखेगा कि ये इस लायक है या नहीं है कि इमामत का अकीदा इसे मिले और जब इस इम्तिहान में कामयाब होगा तो फिर उस इंसान को अकीद इमामत दिया जाएगा रवायत की लफ्जे पहली बात मैं अर्ज कर दू कि ये जो गैबत के मसाइल हैं उनमें ये तवज्जो रहे कि जितनी भी हकमतें बयान की गई हैं वो असल हमत का एक हिस्सा है नहीं पता है ये लफ्ज आप मुतवजे हुए नहीं हुए जो गबत का असल रीजन है अल्लाह ने अपने पास महफूज रखा है और सिर्फ अथार और अल्लाह के रसूल जानते हैं जनाब पाप ने फरमाया था कि यह गए अल्लाह के राजों में से एक राज है कोई नहीं जानता सिवाय इमाम मासूम के कोई इसके बारे में खबर नहीं रखता अल्लाह ने अपने इमाम को गैबत के पर्दे में क्यों रखा है हम में से कोई भी नहीं जानता ये जितने भी आज दो सबब मैं आपकी में शायद इसबा पाऊंगे वक्त मुझे मिला ये दोनों सबब सिर्फ इसलिए हैं ताकि उस असल हमत का एक हिस्सा बयान कर दिया जाए वरना जो असल रीजन है जो रियल रीजन है वो सिर्फ परवरदिगार और परवर के ये चुनिंदा आईमार ही जानते हैं को अल्लाह ने नहीं बताया है अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो गैबत का दौर है वो सबब तो अल्लाह जानता है लेकिन इस गयबत के दौर के दरमियान हमारे लिए अल्लाह ने क्या कह चीजें करार दी हैं, कि जिनकी बिना पर ये एक सब जो गयबत का है वह हमारे जहन में आ जाए दो रवायतें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं इतफाक ने आज जितनी रवायतें मैं अर्ज ये सब बिहार में मौजूद हैं चार रवायतें एक रवायत पहले अर्ज की दो अभी अर्ज कर रहा हूं और एक उसके बाद ये चारों रवायतें बिहार में मौजूद हैं पहली रवायत में अर्ज करो सरकार मरत हजरत मोहम्मद मुस्तफा

फरमाई मिलजुल के सलवा भेज दें आप हजरा अगर आजमाया जाएगा तब उसे ये दौलत ईमान तब उसे अकीद इमामत दिया जाएगा आपको याद आया कुरान मजीद बकरा। बकरण मजीद क्या कह रहा है इन्नी इमामा याद कीजिए पैगंबर उस जमाने को कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम का इम्तिहान कुछ कलेम के जरिए से लिया और जब वो कामयाब हुए तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह की आवाज आई इन्नी जा इमामा अरे इब्राहिम आपको हमने मनसब इमामत दिया तवज्जो फरमाई आपने इमामत से पहले अल्लाह ने इम्तिहान लिया जनाब इब्राहिम का और इस हदीस जो बाद की हदीस मैंने अर्ज किया ये तो आयत थी बाद की हदीस में क्या फरमाया हुजूर ने कि एक को के दौर में इम्तिहान देना है और जब इम्तिहान दे लेगा तो उसको ईमान बे इमामत मिलेगा वो जनाब इब्राहिम का दर्जा है कि उन्हें इमामत चाहिए है, तो इम्तहान देना होगा ये हमारा दर्जा है कि हम इम्तिहान में कामयाब होंगे तो इमामत पर ईमान मिलेगा में और इमामत में यही फर्क है वो इम्तिहान देकर इमामत पाते हैं हम इम्तिहान देकर इस इमामत पर अकीदा पाते हैं मुकाबला नहीं है इंसान सोच भी नहीं सकता बहुत बड़ा डिफरेंस है असल यूं कह लिया जाए कि इतना ज्यादा फासला है कि गोया मुकाबला ही नहीं है इंसान सोच भी नहीं सकता है और ये अजीब मरहला है कि इंसान जिस मनसब के बारे में सोच भी नहीं सकता है उसी मनसब का दावा करता है ये अजीब है है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता ईमान अल्लाह जिसके दिल को आजमा लेता है उसे इस इमामत को देता है यहां पर रुककर एक जुमला में की खिदमत कर दूं दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किलात आएंगी तो उसी के लिए आएगी इसके पास अकीदा होगा सरकार ने करबला में जिस मौके पर सबको उनके मकाम सब बता दिए तुम्हें जन्नत जाना है तुम्हें जन्नत के सलसबील तक पहुंचना है तुम्हें जन्नत की नहरों से फायदा उठाना है तुम्हें हौसे कौसर पर पहुंचा सारी बशारतें दे दी और जब सब राजी हैं शमा गुल कर देने के बावजूद कोई शब आशूर उठकर नहीं गया मौला ने फरमाया कि अब जब सब तुम रुके हो तो क्या फरमाया बला अब तैयार हो जाओ मुश्किलात के लिए आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ विलायत के पास आए तो मुश्किल आएंगी हमारे जहनों में तस्वुर है कि हम जैसे जैसे अहले बैतार से करीब होते जाएंगे मुश्किल घटती जाएंगी जबकि बरअक्स है अहले बैत से करीब होना है तो मुश्किल के लिए तैयार रहना है और कभी कभी हमारे जहनों में यह फिक्र आती है हम तो शिया हैं हम तो अहले बैतार के मानने और चाहने वाले हैं हम तो अहले बैतिया को इमाम फिर भी यह मुसीबत यह मुसीबत है इसीलिए कि अल्लाह आजमा रहा है कि यह अहिल पर ईमान रखने के लायक है या नहीं है तो अपना मुकाबला दुनिया वालों से ना कीजिए कि वो नहीं मानते उनके पास पूरी दुनिया है हम मानते हैं हमारे पास दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है बस फर्क यही है उनको अल्लाह नहीं आजमा रहा है इसलिए कि उनको अल्लाह ने इस इम्तिहान के लायक नहीं समझा लेकिन अगर आपको इस इम्तिहान के लायक समझा है तो फिर इस आजमाइश के लिए तैयार रहना है और सबसे ज्यादा आजमाइश होगी इसी दौर में होगी सबसे ज्यादा मुश्किल आएंगी एक दफा मिलजुल के सलवाद भेजे तो मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में अच्छा अब सुनिए आप और रवायत के जो हमारे सरकार सीधु शोधा इमामी हुसैन सलामुल्लाम अलह आका ने फरमाया मौला फरमाते कि लहू गईबाह मेरे आखिरी वारिस के लिए गैबत है उसके बाद का जुमला फरमाते कि इर्तदा अल फी हा बहुत सी कौमें मौला ने अफराध नहीं कहा कौमे कहा है अफराद से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब कई कौम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाए फरमाए इतवाम फी हा बहुत ज्यादा कौमें ऐसी होंगी कि जो मुरतद हो जाएंगी देखिए बहुत सी लफ्जें हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था मसलन काफिर हो जाएंगी मसलन ये कहा जा सकता था कि वो मसलन बेदीन हो जाएंगी यह भी कहा जा सकता था कि मसलन वो दीन को दीन को को मानते हुए की इबादतों छोड़ देंगी बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हो सकती थी बेईम भी कहा जा सकता था लेकिन इमाम ने क्या यानी ये मुरतद हो जाएंगे मुर्त किसे कहते हैं मुरतद कहती है किसी शख्स का ईमान को इख्तियार कर लेने के बाद कुफर की बारगाह में चले जाना गौर फरमा ये अगर आप गौर करें तो बड़े करीब से आप महसूस कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह का इंकार मुरतद नहीं बनाता है सिर्फ रसूलुल्लाह का इंकार नहीं मुरतद बनाता है सिर्फ कुरान का इंकार नहीं मरत बनाता है बल्कि इमाम और हजत परिगार का इनकार करने वाला भी मुरतद कहलाता है और आज के दौर में आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेशानियों पे गट्टे मौजूद हैं नमाजें भी हो रही हैं रोजे भी रखे जा रहे हैं कुरान पे कुरान खत्म हो रहे हैं हर साल हज पे भी जा रहे हैं लेकिन मुरतद हो गए इसलिए कि इमाम मासूम का इनकार कर दिया यार ये नहीं है कि इसने तोहीद को कितना माना हाँ तो ही तो माना है तो ईमान मिला है यह नहीं है कि रसूलुल्लाह को कितना माना हां रसूलुल्लाह को माना है तो यह ईमान की बारगाह में आया है यह है कि उसने ईमान को कितना माना है यह है कि अमीर और उनकी औलाद में थार को कितना माना है वरना मुरतद है अगर इनकार किया तो मर्तद है उसके बाद फरमाते हैं इर्तदल अकवाम फी और उसके बाद जुमला है व युस बिथ फी हा कौम आखर वहां पर अकवाम कहा था यहां पर एक गिरोह के लिए फरमाया कि अपने ईमान पर साबित कदम रहेगी एक छोटी सी कौम यानी इसके माना है कि आखिरी ईमा आखिरी इमाम पर ईमान रखने वाली कौम बड़ी मुख्तसर सी होगी यहां तक आपने सुना इम्तिहान भी होगा साबित कदम रहने के लिए मुश्किल भी बर्दाश्त करनी होगी अब आप सुनिए हजूर रवायत बिहार है मर्तबत हज़रत तो इस सिलसिले की रवायत सुनिए ये बड़ी कीमती है और कभी हो सकता है कि हम की नजरों से गुजरी हो लेकिन हमने इस पर तवज्जो नहीं दी है बड़ी अहम रवायत जूर अक्रम अपने असाब के दरमियान तशरी फरमा है और अचानक आपने कि फरमा अखवानी अखवानी दो बार फरमाया ये मैं तकरार जो कर रहा हूं हजूर अक्रम ने फरमाया था हजूर अक्रम ने यह जुमला दो बार फरमाया कि खुदारा मुझे मेरे भाइयों से मिला दे अच्छा जो इंसान जितना ज्यादा अपने को रसूलुल्लाह से करीब समझता है उसके जहन में है कि उतना ही ज्यादा रसूलुल्लाह की तरफ से उसे इज्जत मिलेगी ये भी एक अजीब मसाला था इन्हें सहाबी कहा था नहीं हुए मैं भी टीचर हूं आप हजरा बहुत से टीचर्स होंगे हम अपने स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट ही तो कहते हैं ना रसूलुल्लाह का दर्जा इस उम्मत के लिए क्या था रसूलुल्लाह ने इन्हें पढ़ाया था सिखाया था बताया था तो रसूलुल्लाह टीचर हैं या नहीं है ये पूरी उम्मत और खास तौर से वो जो साथ में उठते बैठते हैं सब शागिर्द हैं या नहीं है या अल्लाह के रसूल ने इन्हें इज्जत दी कि शागिर्दी से निकाल कर इन्हें अपना साथी बनाया ये बहुत बड़ी बात है मामूली बात नहीं है रसूलुल्लाह ने इन्हें शागिर्द नहीं कहा है अपना सहाबी बनाया अपना दोस्त कह दिया इससे बड़ी तो कोई कोई मुकाबला ही नहीं था इनमें से कौन था जो रसूलुल्लाह का दोस्त बनने के लायक था बता दी कोई एक भी ऐसा बता दीजिए अहले बैत या थार बैत है असहाब नहीं है असहाब में कोई एक ऐसा नहीं है कि जो रसूलुल्लाह का दोस्त बने रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है आप सोचिए जो अल्लाह का दोस्त वो इन अपने साथियों को अपना दोस्त कह रहा है इससे बड़ी क्या इज्जत हो सकती है लेकिन कभी कभी होता है इंसान को इज्जत वो संभाल नहीं पाता अब इससे हदा नहीं कहूंगा मिलजुल के सलवार भेज दें आप अल्लाहानी परवरदिगार मेरे भाइयों से मुझे मिला दे अब ये तो जाहिर है कि दो बार फरमाया ये जो साथी बैठे थे असहाब बैठे थे इन सबको बड़ा अजीब लगा इन सब ने आगे बढ़ के कहा कि या रसूल अल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं हैं रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या हम आपके भाई नहीं हैं? ये रवाय जो बिहार में अर्ज कर रहा हूं उसमें यह जुमला नहीं है यह बकिया किताबों में है इन सब ने कहा कि हम आपके भाई नहीं है हमने बद्र में आपके साथ जंग की है खड़े होकर हमने ओहद के मैदान में आपके साथ तलवार उठाई है दूसरों से लड़ने के लिए हमने न जाने कौन कौन सी मुसीबतें मुश्किल उठाई हैं हम भाई नहीं हैं आपके फरमाए नहीं तुम मेरे भाई नहीं हो फरमाए तुम भाई नहीं हो इनकुम असहा इज्जत है अल्लाह के रसूल की यहां तुम सब मेरे दोस्त हो मेरे साथी हो भाई नहीं हो फिर भाई कौन है फरमाए कि अखवानी अल कौम आखर वो मेरे भाई हैं जो आखिरी दौर में आने वाले हैं क्यों आमनु वलम यरानी वो सब मुझे नहीं देखेंगे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे आपने कुछ तवज्जो फरमाई इसके बाना है कि गैबत में रहने वाली ज़्यादा पर ईमान इतनी अहमियत रखता है कि इंसान वो जमाने में अगर होता तो बहुत ज्यादा बड़ा रुतबा बन जाता तो रसूलुल्लाह का सहाबी बन जाता आखिरी दौर में इमाम मासूम पर अकीदा रखने की बिना पर यह उम्मत को दर्जा मिला कि यह उम्मत रसूल की भाई करार पाई है इससे बड़ा कोई शर्फ नहीं हो सकता अल्लाह के रसूल ने इस पूरे मदीना तैयबा में जिस मौके के ऊपर भाई बनाया था आप जानते हैं रसूलुल्लाह ने इस मदीना तैयबा में ये अबरीन और अंसार के दरमियान भाई बनाया एक महाजरीन में से यानी वो जो माइग्रेट होके आए थे और एक वो अंसार के जो मदीना तैयबा में रहने वालों में से थे इनमें से एक और एक इनमें से यानी गोया एक मक्के का एक मदीने का इन दोनों को मिला के भाई बनाया अच्छा ये अजीब रसूलुल्लाह की दूर अंदेशी थी जो जिस मिजाज का था उसको वैसा ही भाई दिया अच्छा हर एक इस उम्मीद में था दो शख्सियतें कि जिनके लिए सब उम्मीद लगाए थे कि हमारा भाई बना दिया जाए एक खुद रिसालत माब दूसरे सरकार मोमिनीन अच्छा ये सब जानते थे कि इन दोनों को भाई बनाएंगे तो किसका बनाया जाएगा यकीन महाजरीन को भाई बनाया जा, जा रहा है मदीने वालों का दरसद नहीं लेकिन समझाने के, के लिए कह रहा हूं मक्के वाले वो थे जो तकरीबन वो थे जो महाजिर बन के आए थे लेकिन वो अफराद के जो मदीने में थे वो अंसार थे हुजूर अकरम और सरकार मदीना तैयबा आए हैं बाहर से लिहाजा वो महाजरीन में है तो लोग उम्मीद लगाए थे कि अनसार में किसी का भाई बनाया जाए लेकिन जब सब को रसूलुल्लाह ने भाई एक दूसरे का बना दिया तो उम्मीदें टिकी हैं कि शायद अमीरुल मोमिनीन को मेरा भाई बना दिया जाए शायद रसूलुल्लाह कहे कि आ तुम मेरे भाई हो किसी को भाई बना ले रसूलुल्लाह लेकिन हुजूर अकरम ने फरमाया कि या अली अंता अखिफ الدنيا والआखरा मैंने जितनों को आपस में भाई बनाया है वो सब बस दुनिया तक भाई हैं, लेकिन तुम मेरे ऐसे भाई हो जो दुनिया में भी भाई हो आखिरत में भी मेरे भाई हो नारे है तो तो जार। जार। तो तो अब आप इसी से महसूस करें कि जिस शख्सियत ने अमीरुल उल को अपना भाई बनाया वो शख्सियत आखिरी इमाम के दौर में जिंदगी गुजारने वाले इन को अपना भाई कह रही है बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूं शायद इससे बड़ा शबफ कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह का रसूल इस कौम को इस उम्मत को भाई कह दे भाई का बहुत बड़ा दर्जा है बहुत बड़ा मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा मेरे पास वक्त नहीं है कि क्यों कुरान मजीद ने मोमिनीन को आपस में भाई कहा और उसी वजह से रसूलुल्लाह ने इस कौम को भाई कहा है लेकिन उसके बाद का जुमला बड़ा कीमती है और ये वो लफ्ज़ हैं कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए यह इल्मी दुनिया में इस लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है वो लफ्ज़ क्या है हुजूर अकरम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने इन सब के नाम इन सब की माओ के नाम इन सब के बाप के नाम मुझे बता दिए ये भी अजब शरफ है मेरे सामने ये नौजवान जवान बैठे हुए हैं मैं अगर इनसे पूछ लूं क्या माशाल्लाह से आपकी उम्र है 25 पच्चीस साल दो चार साल के बाद आपके घर में बच्चा पैदा होगा क्या नाम है उसका आपको भी नहीं पता है हमें अपनी नस्ल के बच्चों के नाम नहीं पता है लेकिन इमाम मासूम के अकीदे को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी है कि जिन बच्चों के नाम अभी बाप नहीं जानते रसूलुल्लाह को बताया है क्या चीज शराफ है हम नहीं जानते अभी आप मसलन पेश परफात बैठे हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए बीस साल का जवान बेटा है आपसे मैं पूछूं कि आपके पोते का क्या नाम होगा नहीं पता है आपके नवासे का क्या नाम होगा नहीं पता है रसूलुल्लाह को पता है अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने इल्म दिया है युअरफिन्हुम अल्लाह रब्बुल्इज्जत बिअस्माईहिम वास्मायाबाहिम वलौ फी उम् फी अर हम वह असला अगरचे वो माँ के शिकम में हो अगरचे बाप के सुल में हो पर भी फिर भी परवर दिगार ने उनके नाम मुझे बताए हैं उसके बाद क्या जुमला फरमाती हैं उनकी खासियत क्या होगी वो लोग के जो आखिरी दौर में आएंगे मेरे भाई होंगे उनके ईमान का जब इम्तहान लिया जाएगा तो वो बड़ा कीमती लफ्ज है और इस पर गौर कर लिया जाए बात मुकम्मल हो जाएगी फरमाया पर आखिरी दौर के ईमान परखा जाएगा अल्लाह इनके ईमान को देखेगा इस्तेमाल किया है कि जिस मौके पर ये लोग लफ्ज आपकी खिदमत में अर्ज कर दू ताकि बात हदीस के वो लफ्ज के जरिए से मुकम्मल हो जाए फरमाया मिन कताद बड़ा कीमती लफ्ज है और शायद इस पर मैं दो तीन मिनट आपका लेना चाहूंगा इसलिए कि सारी बुनियाद हमारी इसी पर होनी चाहिए फरमाया कि जब वो आखिरी दौर आएगा कि जिस दौर में बगैर देखे हुए ईमान और अकीदा इख्तियार करना है उस दौर के मिनीन के दिलों के अंदर इतनी मजबूती होगी इतना यकीन वो होगा कि दुनिया की मुश्किल दुनिया की सख्तियां उनके कदमों को हिला नहीं सकेंगी वो जो तश्ती है वो बड़ी कीमती है फरमाया मिन खर तिलती नहीं पता आप लोगों के जहन में है या नहीं है हमारे दरमियान बाज ऐसे पौधे होते हैं कि जिन पौधों पर कांटे होते हैं जैसे मैं गुलाब गुलाब के पौधे के पास आप जाइए तो फूल तक उंगली बाद में पहुंचेगी कांटा पहले रास्ता रोकेगा है या नहीं? होते कांटे इसीलिए जितनी भी कीमती चीजें हैं उनके पास अल्लाह रब्बुल ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि हषरात या इंसान के हाथ न पहुंचे जैसे ही आपका हाथ पहुंचेगा वो आपकी उंगली में कांटा चुप जाएगा एक दफा मिलजुल सलवार भेज दे बेटा लोग थोड़ा सा अपने वालदे के साथ बैठ बेट जाइए बेटा आप हजरात अपने वालिद के साथ बैठ जाइए बेटा ताकि मजलिस मुकम्मल कर लिया और फिर आपस में आराम से गुफ्तु कर लियेगा। ये जो किसी टहनी के ऊपर अगर कांटे लगे हुए हैं आपको अगर इस कांटे से अपनी उंगली को बचाना है और फूल तक उंगली अपनी हाथ को पहुंचाना है बड़ा मुश्किल काम है आप कोशिश करेंगे कि आपकी आंखों से वो कांटे दिखाई दे जो दीजिएगा कांटे दिखाई दे लेकिन अगर वहां पर रोशनी कम हो तो अब उंगली जख्मी होने का खतरा और ज्यादा है और अगर वहां पर बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो लमा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जैसे गुप्त अंधेरा अंधेरी रात है और उसमें इस कांटे से अपनी उंगली को खींच के ऊपर ले जाना है लेकिन इसके बावजूद इंसान की उंगली से खून ना निकले यह है कमाल यह नहीं है मुश्किल इसके बावजूद साबित कदमी भी सबसे ज्यादा अहम है रसूल फरमा रहे हैं कि उस दौर के मिन के ईमान का आलम यह होगा कि जिस तरह से अंधेरी रात में कांटों पर से उंगली को घुमाकर फेर कर ऊपर ले जाया जाए फिर भी इंसान के बदन से खून निकले उसी तरह से मुसीबतों के झुरमुट में घिरे होने के बावजूद आखिरी इमाम पर अकीदा रखने वालों के ईमान का दर्जा यह होगा कि मुश्किलात होने के बावजूद उनके ईमान में इस्तेकाम होगा जरा भी उनके कदम नहीं डकबगाएंगे है कोई हम में से जो इतना बड़ा मर्द मैदान हो अब उसके बाद का जुमला फरमाते हजूर अक्रम के अन्न हम मसाबी खुदुजा अंधेरे में इन सब ने अपने हाथों को कांटों से घुमा दिया इसके बावजूद उंगलियां जख्मी नहीं हुई हैं। फरमाते अन्न हम मसाबी हद्दुजा अंधेरों के चिराग यही आखिरी इमाम के चाहने वाले हैं अल्लाह ने हमें रोशनी लेने के लिए नहीं रोशनी फैलाने के लिए भेजा है हमारा काम रोशनियाँ गुल करना नहीं है रोशनी फैलाना है हमारा काम अंधेरे बांटना नहीं है रोशनियां देना हमारा काम है जितनी रोशनी कायनात में फैले वो हमारे जरिए से फैलनी चाहिए किसी को अगर माली मदद चाहिए है हमारे जरिए से होनी चाहिए किसी को अगर मसलन अखलाक चाहिए है हमारी इल्म की रोशनी अखलाक की रोशनी उस तक पहुंचनी चाहिए यानी इसके माना है सबसे अच्छा अखलाक हो तो आखिरी इमाम के चाहने वालों का होना चाहिए सबसे ज्यादा इबादतें हो तो आखिरी इमाम के चाहने वालों की होनी चाहिए सबसे ज्यादा सच्चाई हो तो आखिरी इमाम के चाहने वालों के अंदर होनी चाहिए जितनी भी करामतें हैं इन्हीं मसाबी के अंदर होनी चाहिए और उसके बाद का जुमला हुजूर अकरम फरमाते आखिरी जुमलाते यही वह अफराद होंगे रसूल फरमाते हैं कि आखिरी दौर क्या मोमिन है क्या जिसको परवरदिगार तमाम मुश्किल में होने के बावजूद देखिए अल्लाह के इख्तियार में है दो चीजें अल्लाह पूरी तरह से सारी चीजों पर अल्लाह का अख्तियार है दो चीजों पर मुकम्मल अख्तियार है का। एक मुश्किल को खत्म करना दूसरे मुश्किल से बचा लेना मैं दोनों की मिसाल दे दू मिसाल के तौर के ऊपर मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कह रहा हूं मसलन खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अब यह दोनों ऑप्शन मौजूद हैं अल्लाह चाहे तो एक्सीडेंट होने ना दे और अल्लाह चाहे तो आपके पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो जाए दोनों में फर्क या है नहीं है एक्सीडेंट का न होना यह भी अल्लाह के अख्तियार में है लेकिन एक्सीडेंट हो और आपको बचा ले ये भी अल्लाह के अख्तियार में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया अल्लाह का रसूल यह कह रहा है कि फितनों को खत्म नहीं करेगा आखिरी इमाम के चाहने वालों को फितनों के दरमियान होने के बावजूद बचा ले जाएगा यानी बकिया फितनों में घिरे होंगे आप बच जाएंगे यह असल कमाल है यह तभी मुमकिन है कि जब आखिरी नजात दहंदा पर इंसान का अकीदा मुहकम करार पाए। हमें मुश्किलात में घिर जाने के बाद अपनी जिंदगी को संभाल के ऊपर लेकर जाना है मुश्किल पर घबराना नहीं है एक, आ, एक ऐसा इंसान आप तो समंदर के किनारे रहती हैं, एक ऐसा इंसान समंदर की लहरों के पास खड़ा हुआ है दूर ऊंचाई पे। और कह रहा है कि देखा इन लहरों के बिना पे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे लहरें डुबो नहीं पाई ये थोड़ी नहीं फख्र का मकाम है फख्र तो तब है कि जब आप नीचे उतरिए पानी में आइए आपने पानी में पैर रखा और अब आने वाली मौजें आपको नहीं डुबो पाई तब आप कह सकते हैं कि मुझे इन मौजों ने नहीं डुबोया जो समंदर की लहरों से दूर खड़ा होता है वो कभी भी नजात के लिए दावा नहीं कर सकता है नजात का दावा वो कर सकता है जो मुश्किल में मुसीबतों में सख्तियों में परेशानियों में होने के बावजूद ये कहे कि परवरदिगार मुझे अकीद इमामत ने सख्तियों में होने के बावजूद नजात अता कर दी है असली ये कमाल है मुश्किल में होने के बावजूद मुश्किल से भागना कमाल नहीं है मुश्किल में रहते हुए साबित कदम रहना यह असल कमाल है मेरा वक्त पूरा हो रहा है और इसकी अगर बेहतरीन मिसाल आपको देखनी है तो मैदान करबला में आप दी मैं की तरफ आपको नहीं लेके आ रहा हूं लेकिन कर रहा हूं मैदान करबला में आप देख लीजिए मुसीबतों का मुकाबला किया है मुसीबतों से फरार नहीं किया है किसी एक ने भी बच्चे ने भी कह दिया हो आप दिखा दीजिए कि चलते हैं करबला से बाहर नहीं किसी ने नहीं कहा हां मैदान करबला में डटे रहते हुए मुकाबला करना ये असल ईमान की अलामत है जनाब इब्राहिम जिस मौके के ऊपर मुश्किल के मरहले में दाखिल हो रहे हैं चाहे तो परवरदि से कह सकते थे खुदा मुझे बचा ले, लेकिन नहीं मैदान से भागना यह ईमान की अलामत नहीं है मैदान में डटे रहना यह ईमान की अलामत है आजमाइश तो आएगी हमारे साथ आएगी आपके साथ आएगी आपसे माकबल वालों के पास आई आपके माँ बाप वालों के पास सबके पास आनी है और फिर जब आजमाइशों से गुजरेगा तब ये पत्थर हीरा बनेगा अगर आजमाइशों से पत्थर नहीं गुजरेगा तो फिर आप यकीन जाने किसी के ताज का हिस्सा नहीं बन पाएगा ताज का हिस्सा तब बनेगा डायमंड तब कहलाएगा जब वह पत्थर न जाने कितनी सख्तियों से गुजरेगा घिसा जाएगा गर्मी में उसको रखा जाएगा उसके ऊपर पॉलिश की जाएगी न जाने कितनी सख्तियाँ उसके बाद वो इस लायक बनेगा कि वो सर के ऊपर रहे ताज का हिस्सा बन के मुश्किल आएँगी सख्तियाँ आएंगी हमें सख्तियों से नहीं परेशान होना है हमें मुश्किल से नहीं परेशान होना है मैं पहले इस किस्म की बातें कम करता था लेकिन अब इसलिए ये बातें करता हूं कि हकीकता हम सबको आजमाइशों के लिए तैयार रहना चाहिए आजमाइशें आएंगी लेकिन इन आजमाइशों में जितना हमने सिपात कदम का सबूत दिया हम कामयाब होते जाएंगे कभी हिजाब पर पाबंदी के जरिए से मुश्किल आएगी कभी दाढ़ी पे हमले किए जाएंगे फिर मुश्किल आएगी कभी हराम चीज़ों के इस्तेमाल करने का प्रेशर बनाया जाएगा फिर मुश्किल आएगी न जाने कैसी कैसी सख्तियाँ लेकिन इन्हीं सख्तियों में अगर हमने अपने पाए सेबात को मोहकम रखा तो आखिरी रसूल के भाई भी बन जाएंगे और अल्लाह की बारगाह से हमें मसाबी दुजा का लकब भी मिल जाएगा अंधेरों में रोशनी फैलाने वाले बस मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया आप अकेले नहीं हैं कोई है कि जो आपको बचा रहा है आप तनहा नहीं है कोई है जो आपकी मदद कर रहा है आएगी कल गुफ्तु शायद मुझे आज अब वक्त नहीं है शायद कल मैं आपकी खिदमत पर अर्ज करूं कि इमाम की मदद किस तरह से आ रही है लेकिन सुने आप जब मुश्किल में इंसान घिर जाए मैं शायद हो सकता है कि दो मिनट तीन मिनट आगे बढ़ जाऊं आज वक्त से लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वाक्य सुनिए आप इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम जब खुद को गुनाहों से बचाते हैं तो मेरा इमाम कितना खुश होता है और कितनी मदद करता है लेकिन शर्त यही है गुनाह के मौके आए और फिर हम अपने को बचा ले जाए असल कमाल यही है आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बाफी एक बड़े बुजुर्ग हमारे आलिम गुजरे हैं और वो नजफ़ अशरफ में आखिरी उम्र तक मुकीम रहे लेकिन एक वो जमाना था कि जिस जमाने में उन्होंने जीारतों का इरादा किया अच्छा जाहिर सी बात है कि कुछ ज्यारतें नजफ़ अशरफ के करीब हैं कुछ ज्यारतें मासूमीन की बहुत दूर हैं करीब वाली ज्यारतों के लिए अक्सर जाया करते थे वो लेकिन दूर की ज्यारत के लिए नहीं पहुंच पाते थे आप शायद मुतवजह हो गए एक तो दूर की ज्यारतों में शामिल है कि अरबिस्तान सऊदी के जिसमें मदीना तय की ज्यारतें हैं वो मुमकिन नहीं था उस जमाने के हालात की बिना पे दूसरी एक अहम तरीन जियारत है कि जो मशहद मुकदस में हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम अली सलात तो वसलाम की जियारत तो। है आपने नजफ अशरफ से जियारत का इरादा किया वो भी कैसे पैदल नजफ़ और करबला के दरमियान का फासला पचासी किलोमीटर के आसपास है तीन दिन लगते हैं जरा आप सोचिए कि अगर नजफ अशरफ से मशद मुकदस तक कोई पैदल जाए कितने दिन लगेंगे वो भी सहरा का रास्ता ऐसा नहीं है कि वो रोड का रास्ता है कि जिस रास्ते के ऊपर आपके मसल मौके लगे हुए हैं जहां चाहें आप आराम कर लें जहां चाहे आप मसलन नमाज पढ़ लें जहां चाहे आपको पानी मिल जाए नहीं सहरा का रास्ता निकले मरहूम है मोहम्मद तकी वो भी अकेले निकले किसको साथ लेंगे कौन चले गए इतने लंबे रास्ते पे अकेले निकले और अब उस उम्र में होने के बावजूद मुख्तलिफ मुख्तफें मुख्तलिफ मुश्किल सख्तियां परेशानियां लेकिन एक ऐसी मुश्किल आई कि जिसे बर्दाश्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं था वो क्या मुश्किल आई निकल रहे थे तकरीबन बॉर्डर पर पहुंच चुके थे इराक और ईरान के उस बॉर्डर पर रात का वक्त आ चुका था और शदीद बारिश हो रही थी बर्फ गिर रही थी और उस बर्फ के मौके पर माहौल में अपने बदन को गर्मी पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है खास तौर से अगर इंसान किसी छत वाली जगह पर नहीं है इन्होंने देखा कि एक कहवा खाना है एक चाय का सेंटर है कि जहाँ के ऊपर लोग बैठते हैं चाय पीते हैं और इससे बेहतर तो कोई जगह हो नहीं सकती अपने बदन को गर्मी पहुंचाने की इन्होंने सोचा कि चलूंगा उसी जगह के ऊपर बैठूंगा अगर जगह मिल गई तो रात में रुक भी जाऊंगा वहीं पे बैठ के गुजार दूंगा नहीं निकलूंगा लेकिन अब जो अंदर दाखिल हुए तो कैसा चाय और कैसा कहवा वहां तो जितने हराम काम सोचे जा सकते हैं सब हो रहे थे जुआ भी खेला जा रहा है नशे के सामान भी इस्तेमाल हो रहे अजीब माहौल अब यह मामा अबा कबा पहने एक बूढ़ा इंसान आयतुल्ला अल्लाह की निशानी वो कहाँ अंदर जाएगा ये अंदर दाखिल हुए और घबरा के बाहर आ गए देखिए एक होता है इंसान लंदन अमरीका जा रहा है तो ठीक है रास्ता जैसा भी हो चल जाएगा लेकिन एक इंसान जब इमाम मासूम की बारगाह की तरफ जा रहा है तो अब रास्ता भी तो मोहतरम और मुकद्दस होना चाहिए रास्ते में इनके साथ बैठेंगे शराबियों के साथ बैठेंगे बाहर निकल आए क्या नहीं ये नहीं हो सकता रात मेरी ठंड में गुजर जाए लेकिन मैं गलत काम गुनाह करने वालों के साथ रात बसर ये मेरे अच्छा मौत तो उनके मुश्किल भी नहीं था वो सब जो खुद नशे में चूर हैं उनके दरमियान जाके अगर एक इंसान बैठ गया तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई बैठा भी है वो तो खुद अपने में डूबे हुए हैं तो इंसान को क्या खबर होगी लेकिन नहीं नहीं गए अंदर अलबत एक दो दफा फिर जाके इन्होंने अंदर तलाश किया कि शायद कोई कोना गोशा जगह ऐसी मिल जाए कि जहां के ऊपर ऐसे अफराद ना बैठे हो उनको छोड़ के मैं कोने में बैठे हूं कोई जगह नहीं थी बैठना था तो इन्हीं गुनाहगारों के साथ बैठना था तो इन्हीं नशा करने वाले शराबियों के साथ बाहर निकल आए मैं ये ठंड बर्दाश्त कर लूंगा हो सकता है कि सुबह तक मैं खुद जाम हो जाऊं हो सकता है कि खुद सुबह तक मैं बर्फ बन जाऊं लेकिन मैं गुनाह की बस्ती में गुनाह की वादी में नहीं जाऊंगा लेकिन जाहिर है कि अब एक, 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 एक इंसान बाहर बैठा हुआ है तो बड़ा सख्त है उस ठंडक में नहीं पता आप हजरात का तजुर्बा है नहीं है ये जो ईरान की ठंड होती है खास तौर से जब बर्फ गिरती है और बर्फ गिरने के बाद हवा चलती है ये बड़ी शदीद होती है बड़ा मुश्किल होता है यानी आप सारे कपड़े अगर पहने हो तब भी लगता है कि ये ठंड आपकी हड्डियों में उतरी जा रही है बड़ा सख्त होता है बेचैन बैठे हैं रात बड़ी तकलीफ दे महसूस हो रहा है कि रात बड़ी तकलीफ दे गुजरेगी क्या करूं मैं इसलिए कि बिल्कुल छत नहीं है सहरा में बैठे हुए चारों तरफ बर्फ जमी हुई हवा चल रही है इन्होंने उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि खुदारा मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में और तेरी इताअत में गुनाह को छोड़ के बाहर आके बैठा हूं खुदारा कोई रास्ता दिखा खुद मरोम आयुल बाफकी का बयान तफसीली बयान है मैं इस वक्त अब नहीं उस रफ जाऊँगा मरोम आयतुल्ह बाफकी का बयान कि मैंने अचानक देखा कि कोई शख्सियत मेरे करीब आई आने के बाद कहा कि क्यों परेशान क्यों बैठे हो मैं क्या करूँ ठंडक है परेशानी अच्छा इन्होंने पहचाना भी नहीं पहचाना होता तो शायद इसे गुफ्तू भी ना करते ठंडक है परेशानी है मुश्किल हैं और अंदर का वो आलम है कि मैं जा नहीं सकता उन्होंने जवाब दिया कि तकी बाफकी मैं जानता हूँ कि अंदर तुम नहीं जाओगे इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और फिर कहा कि आओ मेरे साथ लेके आए एक दलख्त के नीचे जाकर बैठे मरू में मोहतकी बाफकी का बयान कि मैंने ये देखा कि जैसे लगा कि सारी बर्फी खत्म हो गई है एक बिल्कुल नॉर्मल प्लेस जैसे कि जहां पर न ठंडक बहुत ज्यादा हो न गर्मी हो न जहाँ के ऊपर बर्फ की पा, पाई जा रही कोई भी चीज़ नहीं बड़े आराम से बैठे गुफ्तगु शुरू हुई और उसके बाद मैं सवाल पूछ रहा था उधर से जवाब दिया जा रहा था यहां तक कि नमाज सुबह का वक्त करीब आया और उन्होंने नमाज सुबह पढ़ाई उसके बाद जब वो उठने लगे तो मोहम्मद तकी बाफी ने अभी तक नहीं पहचाना था इनको यह महसूस हुआ कि वाक़न ये कोई बड़ी असीम शख्सियत है उन्होंने तमन्ना की कि मैं तो मशद मुकदस जा रहा हूं काश मुमकिन है कि मैं आपके साथ रहूं उन्होंने कहा नहीं यह नहीं हो सकता तुम्हारी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया लेकिन अगर तुम चाहो कि मेरे साथ रहो तो ही नहीं हो सकता इसलिए कि और भी अफराद हैं कि जिनकी मुश्किल को मुझे दूर करने के लिए पहुंचना है इन्होंने कहा कि क्या दोबारा आपसे मुलाकात हो सकती है कहा दो बार तुम्हें फिर मुलाकात का शरफ मिलेगा और यह कह के निगाहों से उझल हो गए ये उस मौके पर मुतवजह हुए कि मैंने अपने इमाम से मुलाकात की है अब यहां से सुनिए आप जो असल बात है वो आप सुनिए ये आए ज्यारत करते हुए जिस मौके के बाद रास्ते में इनके लिए इतफ़ाक़ ही था कि रास्ता ऐसा इनको मिला कि क़ुब मुकदसा पहले रास्ते में आया क़ुब मुकदसा की ज़्यारत की और उसके बाद फिर ये मशद मुकदस पहुँचे क़ुब मुकदसा में इमाम से फिर मुलाकात हुई वो बहुत ज़्यादा चूँकि अहम मौका नहीं था असल मौका अब आया मशद मुकदस में जिस मौके पर उन्होंने इमाम से मुलाकात करने के लिए ज़ाहिर है कि अभी उम्मीद है कि मुलाकात होगी इमाम की मुलाकात नहीं हुई और ये बड़े बेचैन कि इमाम ने तो फरमाया था कि दो बार मुलाकात होगी और फरमाया था कि सफर में मुलाकात होगी और अब तो सफर खत्म हो गया कैसे मुमकिन है कि इमाम से मुलाकात ना हो इन्होंने तवस्सुल किया कि मौला ये तो नहीं हो सकता कि आपकी कहीं भी बात गलत हो जाए हां यह हो सकता है कि मैं आपसे मिला पहचान नहीं पाया सुनेंगे इमाम का पैगाम आया कि मोहम्मद तकी बाफ की मैं तुमसे दोबारा दूसरी बार मिला था लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन तुम जो काम कर रहे थे वो मुझे पसंद आया अब सुनेंगे आप अगर सुनने का हौसला है तो मिलजुल के सलावाद भेज दीजिए आप कब आए एस... मैं तो नहीं आपको देख पाया कहा तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन तुम जो कर रहे थे और तुमने जो मुझे नहीं देखा वो मुझे पसंद आया मौला किस मौके के ऊपर आप मुझसे मिलने आए और मैं आपको नहीं देख पाया और आपको मेरा अमल पसंद आया फरमाया जिस मौके के ऊपर तुम हरम से निकले थे तुमसे एक खातून ने आकर मसाला पूछना शुरू किया था और तुमने उस खातून के एहतराम में कि वो नामहरम है और में परवरदिगार ये है कि ना महरम को न देखा जाए तुमने उससे गुफ्तगु के दौरान अपनी नजरों को झुका लिया था मैं करीब में तुम्हारे मौजूद था लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा यह अमल कि तुमने ना महरम को नहीं देखा मुझे इतना पसंद आया कि अब मैं तुमसे यह तीसरी बार मुलाकात करने आ रहा हूं मुतवज्जे हुए इंसान के लिए ज़िंदगी के मराहिल ऐसे होते हैं कि जहां पे आजमाया जाता है ये आजमाइश का मौका है कोई नहीं पहचानने वाला है जहां कोई देखने वाला नहीं है अगर ना महरम को देख लिया तो किसने हमको देखा मेरे दोस्त ने तो नहीं देखा मेरे घर वालों ने तो नहीं देखा लेकिन जिस इमाम की इमामत के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी निगाहें हमें देख रही हैं असली ये चीज है अगर वाक़ा इंसान खुद को गुनाहों से बचाता है तो इमाम उसके हमरा होते हैं हम अगर वाकई तौर के ऊपर खुद को इन मुश्किल में घिरने के बावजूद सख्तियों में होने के बावजूद अगर गुनाहों से दामन बचा के आगे बढ़ जाए अच्छा ये गुनाह के मौके बार बार आएंगे मर्दों के लिए भी आएंगे खवतिन के लिए भी आएंगे हमारी बहनों के लिए भी आएंगे हमारी बच्चियों के लिए भी आएंगे जिंदगी में हर मौके पर ये मौाक़ आएंगे ताकि आजमाया जाए कि ये आखिरी इमाम पर अकीदा रखने वाले अफराद में है या नहीं है मैंने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया हकीकता आखिरी इमाम मदद करते हैं लेकिन इमाम ये पसंद नहीं करते कि उनके चाहने वाले के दामन पे गुनाहों के धब्बे पाए जाएंगे आज शब जुमा है शब रहमत है शब मगफरत है और वो रात है कि जिस रात की सुबह एक दिन उस रोज पर खत्म होगी कि जिस दिन मेरे इमाम इस रुए जमीन पे तशरीफ लाएंगे काफ़ी है दोहोर कल की आप दुआ में ज्यारत में यही जुमला कहेंगे मौला आपके जहर की तो आज के दिन है लेकिन रवायतों में है कि इमाम का जहूर रोज जुमा होगा और इमाम इस दुनिया में अदल के क्याम का आगाज करेंगे रोज आशूरा से जिस दिन ज़ुल्म अपने रूज पर था उसी दिन से आखिरी इमाम अपने अदल इंसाफ का परचम बुलंद करते हुए रोए जमीन को जुल्म जोर से नजात दिलाएंगे शब जुमा है अब वक्त नहीं है कि मैं मजीद अर्ज़ करूँ लेकिन आखिरी इमाम उन मजलिसों में शिरकत करते हैं कि जिन मजलिसों में करबला के अलमदार का ज़िक्र किया जाता है न जाने मैदान करबला के इस गाजी से कितनी अकीदत और मोहब्बत है आखिरी इमाम को कि जिक्र सरकार वफ़ा का होता है शिरकत उनका वारिस करता है ज़िक्र इमाम हुसैन के अलमदार का होता है और उस मजलिस में शिरकत वो यूसुफ़ जहरा करता है कि जिनकी मुलाकात और जिनके जहूर की तमन्ना सभी कर रहे हैं आइए उसी मैदान करबला के गाजी का ज़िक्र करें शायद इस मजलिस को भी ये शरफ़ मिल जाए कि मेरा इमाम आ जाए शायद इस मजलिस पे भी मेरे आका की नजर इनायत हो जाए मैदान करबला में गाजी एक अकेले ऐसे मुजाहिद हैं कि जिनके लिए इमाम हुसैन ने ये जुमला फरमाया था तफर रकाश करी अब्बास अगर तुम चले जाओगे तो मेरी जाएगी जबकि अब्बास थे अब तफर रकाश करी ये गाजी की अजमत को वाजे कर रहा है ए की निगाह में तुम पूरे एक लश्कर की तरह से हो तुम अकेले होने के बावजूद हुसैन तुम्हें कर समझते हैं और इसीलिए जब हुसैन की बारगाह से गाजी निकले हैं तो इमाम हुसैन मरसिया पढ़ रहे थे और जब गाजी के सिराने पहुंचे हैं तब भी यही मरसिया हुसैन की जबान के ऊपर था जुमला ये था इमाम हुसैन कह रहे थे ए अब्बास तुम दुनिया से जा रहे हो अब वो आंखें नहीं सो पाएंगी कि जो आज तक सुकून से सोती थी और अब वो आंखें आराम से सोएंगी जो आज तक तुम्हारी बिना पे नहीं सो पाती थी चाहे दुसैन कहना चाह रहे थे ए अब्बास अब जैनब न सो पाएगी ए अब्बास अब सकीना को सुकून नहीं मिलेगा ए अब्बास अब, अब उम्मे कुलसुम को आराम नहीं मिलेगा आजादार हो मैदान करबला का ये वो मुजाहिद है जो मैदान करबला में तो आया है लेकिन अपनी शमशीर से जंग नहीं कर रहा है अपनी तलवार को नहीं उठा रहा है बल्कि निगाहों से फौजी अशकिया को रोका है और रोबो दबदबा

ठंडा हो गया लेकिन मशकीजा गाजी के तहने अथर में है मशकीजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है जिसके दोनों बाजू कलम हो जाएं उसके बावजूद ये हिम्मत कहाँ से है कि वह आगे बढ़ रहा है अचानक समझ में आया कि सारी उम्मीदें गाजी की इस पूरी मशकीजा के साथ हैं लिहाजा तीरंदाजों को हुक्म दिया गया तीर बरसाए जाएं अब जो तीरों ने बरसना शुरू किया एक तीर मशीजा में आके लगा और अब जब पानी ने पहना शुरू किया गाजी की सारी उम्मीद टूट गई हा आजादारो बस एक जुमला लीजिए, यही वो लम्हा था कि जब गाजी की आंख में एक तीर आके लगा है जब इंसान की आंख में कुछ पड़ जाता है वो कैसे साफ करता है हमेशा हाथ को उठाता है लेकिन वो गाजी क्या करे जिसके दोनों बाजू कलम हो गए ये खुद जुमला आका का है मैंने अपने सर को झुकाया और अपने दोनों दोनों जानवरों को इस घोड़े पे بلند किया ताकि अपने सर से अपनी आंख से तीर को निकाल सको इन जानवरों में दबा के निकाला जा सके लेकिन सुनो आजादारों अब जो तीर निकालने के लिए सर झुकाया आया एक शकीन ऐसा घोड़े लगाया गाजी का सर मुबारक अब जो जख्मी हुआ गाजी जमीन कربلا की तरफ आए ए मेरे हाका أبن عباس خبر لي ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي من قَلِبُوا